आगे सभी वीडियो देखने, मुझे पता था आप सभी लोग जरूर आओगे वीडियो देखने। नहीं। सो भाई लोग, मैं विजार्ड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दी विजार्ड 99 नामक यूट्यूब चैनल में। करो रेनलू बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई लोग, क्या आप भी परेशान हो? हाँ। क्या आप भी अरिसुदन भाई की तरह शॉर्ट वीडियो एडिट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई लोग, आप ना बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो भाई लोग, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब में जाके दी विजर 99 को सब्सक्राइब कर लो। बड़ा हरामी हो बेटा। सो भाई लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत मजाक कर लिया। सॉरी। सो भाई लोग, आज आपका भाई आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला है कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे सीक्रेट्स, जिनको जानने के बाद आप भी अरिसुदन YT की तरह शॉर्ट वीडियो एडिट कर पाओगे। सो भाई लोग, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच करो। एंड चैनल पे न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना। हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए, तो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पर मैं अवेलेबल रहता हूं, जाकर फॉलो कर लेना, मुझसे बात कर सकते हो। सो भाई लोग, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, सबसे पहले आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके आप लोगों को अपना गेम प्ले वाला क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। एंड ऐड ओवरले पे जाके यहाँ पर आप लोगों को 1v4, 1v6 सभी ओवरले मिल जाएगा। ओवरले को ऐड करके एकदम ड्रैग करके एंड तक ले आना है, ठीक है। एंड एंडिंग वाला पोजीशन में आके आप लोगों को वो एंडिंग वाला जो क्लिप होता है उसको डिलीट कर देना है। एंड अभी गाइज, यहाँ पर ऑडियो पे आके, एक्सट्रैक्ट पे आके आप लोगों को एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको ऐड कर लेने के बाद ऑडियो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड गाइज, ऑडियो का जो वॉल्यूम है ना, अगर आपका जो क्लिप है उसमें अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करना, ठीक है ना। एंड अगर आपके क्लिप में गन साउंड कम आ रहा है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देना, ठीक है गाइज। सो इतना काम करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को एंड पे आना है एंड जो एक्स्ट्रा ऑडियो है वो स्प्लिट करके डिलीट कर देना, ठीक है। एंड आप लोगों को ऑडियो का फेड इन एंड फेड आउट को ऑन कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्लिप रेडी हो जाएगा अभी। एंड अभी गाइज, आप लोगों को क्या करना है, एडजस्टमेंट में जाना है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एंड आप लोगों को शार्पन को इंक्रीज करना है। मैं बार बार बोलता ही हूँ आप सभी लोगों को, शार्पन से क्वालिटी अच्छा लगता है। तो टेम्परेचर को आप लोगों को -10 रखना है या फिर 15 या 14 रख सकते हो, ठीक है। 10 से 15 से अंदर ही रखना, ठीक है, 10 से 15 के अंदर, ठीक है। एंड अभी गाइज, विगनेट को थोड़ा सा हम लोग इनेबल कर देंगे। एंड अभी गाइज, हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको बैक करके आप लोगों को एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड लेना है। फॉर्मेट पे जाके आप लोगों को कर देना है 16:9 के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। एंडिंग वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। सो गाइज, हम लोग अभी टेक्स्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर जाना है आप लोगों को। एंड यहाँ पर गाइज, प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को कुछ भी टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैन आई क्लच लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। एंड अभी गाइज, फॉन्ट के ऊपर जाके ये वाला फॉन्ट आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइज, कुछ इस टाइप से। एंड अभी गाइज, आप लोगों को इसका डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कैन आई को रखूँगा एंड उसके बाद एक डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पर इसमें क्लच लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कैन आई को थोड़ा सा इस टाइप पे कर देंगे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ले आएंगे। एंड ये जो डुप्लीकेट हमने किया है ना, इस पे जाना है एंड यहाँ पर मैं क्लच लिख दूंगा, ठीक है। क्लच एंड क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। एंड इसका कलर भी मैं चेंज करके रेड कर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड अभी इसका कलर भी मैं जो है रेड करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर स्टाइल पे, यहाँ पर कलर मिल जाएगा, कलर पे जाके रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर कैन आई को मैं डुप्लीकेट करूँगा, लेकिन उससे पहले गाइस इन एनिमेशन दे देते हैं, फेड इन एंड आउट एनिमेशन में दे रहा हूँ फेड आउट, ठीक है। आप लोग कोई सा भी एनिमेशन दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा फेड इन एंड फेड आउट को ही यूज़ करूँगा। आप लोग कोई सा भी एनिमेशन दे सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगेगा। बहुत सारा एनिमेशन है, ट्राई करके देखना। सो गाइस, अभी थोड़ा यहाँ पर आएंगे एंड कैन आई को जो है
हैं, हम लोग यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करके कुछ इस टाइप से रख देंगे। एंड यहाँ पर गाइज थोड़ा सा हम लोग ये जो है स्प्लिट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1v4, ठीक है। तो मेरा जो गेम प्ले है, मतलब कि मैं जो शॉर्ट वीडियो अभी बना रहा हूँ, उस गेम प्ले में 1v4 क्लच है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1v4 लिखूंगा, ठीक है। 1 को व्हाइट में एंड वर्सेस को रेड में रखूंगा एंड 4 को फिर से व्हाइट में रखूंगा, ठीक है। तो ये 1 वाला जो है इसको मैं कॉपी कर लूंगा नॉर्मल एंड यहाँ पर इसको जो है 4 लिख दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रख के 4 लिख दूंगा, ठीक है। सो गाइस इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हमारा टेक्स्ट दिख रहा है इसको हम लोग ड्रैग करके कुछ ले आएंगे एंड वाले पोजिशन तक, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम लोग ड्रैग करके कुछ इस टाइप से हम लोग जो स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि ड्रैग करके एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एंड अभी इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड एक्सपोर्ट करने के बाद अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा काम थोड़ा सा बाकी है। सो गाइस एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है एंड वहां पर ये वाला क्लिप को ऐड करके वीडियो इफेक्ट में चले जाना है एंड यहां पर डिस्टॉर्शन में चले जाना है आप लोगों को एंड यहां पर रिपील वाला मिल जाएगा सबसे एंड में, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो वहां पर आप लोगों को इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है, एंड वाला पार्ट को डिलीट करना है एंड अभी एज ग्लो को हमें ऐड कर देना है तो टेक्स्ट पे भी ग्लो आ जाएगा, ठीक है। एंड अभी इस क्लिप को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, आप लोग देख सकते हो बढ़िया लग रहा है। अभी इस क्लिप को आप लोगों को सिंपल सा एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट होने के बाद गाइज अभी मेन काम बाकी है, ठीक है। तो पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये वाला क्लिप एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोगों को बैक आना है एंड जो कि हमने पहले ही बना के रखा था, गेम प्ले एडिट करके रखा था, उस वाले क्लिप में चले जाना है। ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करके ये वाला जो टेक्स्ट हमने बनाया है इसको चूज करके स्प्लाइस पे अंदर जाके आप लोगों को फिलर वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अभी गाइस हम लोग इस क्लिप को फाइनली एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड आप लोगों को प्रीव्यू दिखाते हैं। चलिए गाइस क्लिप को एक्सपोर्ट करते हैं। I love you, love.